मध्य प्रदेश की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक होने को लेकर कांग्रेस के निशाने पर सरकार आ चुकी है। वहीं अब इस पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भिंड और भोपाल में अफवाह फैलाने वालों के बारे में FIR दर्ज करने की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे फेज में वायरल पेपरों को लेकर की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। देखिए, जो पहले राउंड में वायरल जो हुआ था, जो आए थे, उनकी हमने जांच करा ली गई है, उसमें कोई सत्यता नहीं पाई गई है। फिर भी हमने भिंड में एक FIR दर्ज की गई है और भोपाल में भी FIR दर्ज की गई है कि ऐसे जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत पेपरों को वायरल करके सही पेपर बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। और सेकंड राउंड में जो प्रश्न पत्र के बारे में जो जानकारी आई है, वो प्रश्न पत्र सही पाए गए हैं जो वायरल हुए हैं, और वो जब थाने से जब प्रश्न पत्र चले हैं और स्कूल तक के पहुंचने के बीच का समय है, और इसलिए हमने केंद्राध्यक्षों जिस सेंटर को चिन्हित किया गया है, 4 ऐसे सेंटर है, उनके हमने 9 लोगों के निलंबन करने का कार्रवाई की गई है। आगे उसकी जो जांच कमेटी हमारी वो पूरी कार्रवाई कर रही है, यदि जरूरत पड़ी तो उसमें और एक FIR करने के हम काम करेंगे।